नकल का सुना दे भाई, नकल का सुना दे, इसके मुंह पे लाफा पड़ेगा। क्या बोलती पब्लिक, आज बिल्कुल नया टायर है भाई, एकदम भाई तुम लोगों का सलवार कमीज में आया है। और आज हम लोगों का सीन ऐसा है, हम लोगों ने कहा सलवार कमीज में हम लोग एक दो टिकटॉक बनाते हैं और साथ साथ में हम लोग एक ब्लॉग बनाते हैं। आज वही मेरा पुराना साथी यार सब कुछ आया हुआ है, जिसका गला बहुत खराब है भाई। अस्सलाम वालेकुम, रात खांस खांस के बुरा हाल हुआ है। सुबह ऐसे लग रहा था घर वाले गए बेटा आज की सांसें चल रही है तेरी। मेरा भाई मरने वाला है, दुआ करे जल्दी से ठीक हो जाए। दुआ करे मर, मैं गया दुआ करे जल्दी से मरे। नहीं नहीं नहीं, अभी तू तूने किधर मरना है भाई, हम भी ढीठ लोग हैं, हम भी मरते हैं। इतनी जल्दी नहीं मरता ये साला भाई, तूने ऊपर आके क्या करना है, तू नीचे ही रह कुछ टाइम के लिए, आराम सुकून से बैठो नीचे, इन लोगों को तंग करो, ऊपर क्या तुमने करना है आके, ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ। तो आज भाई के मतलब ब्रीडिंग वीक चल रही है, एक वीक ऑफ है, हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी से व्लॉग निकालते हैं, जल्दी जल्दी से व्लॉग अपलोड करते हैं। सुबह निकल रहा था, अबू ने फिर पूछा बेटा किधर जा रहे हो, मैंने कहा वीक ऑफ है, कब वापस आएगा, मैंने कहा 4 साल में तो आ जाऊंगा, वो कहता है आओगे मैं काम बताऊंगा, अबू को भी लेके जा, अबू भी काम बताया, जाहिर सी बात है ब्रीडिंग वीक है, अबू को भी लेके निकलना है यार। वही अभी आते हुए रस्ते में सोचा था भाई इतने सारे काम है, अपनी अपना काम भी देखना है, लाइक वर्क वगैरह भी देखना है, उसके बाद तुम लोग ये ब्लॉग वगैरह का भी देखना है, एडिटिंग करनी होती है, अब वो का भी काम है, एक वीक की छुट्टियां क्या क्या करूंगा भाई, क्या क्या करूंगा छुट्टियों में, एक वीक की छुट्टियों में से एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आज है। हाँ असल में एक दिन ऑलरेडी गुजर गया और मेरी इवनिंग क्लास एक और थर्सडे वाले दिन तो निकाल दो ना, उस दिन मेरी एक क्लास तो होती है सेपरेट है, मेरे पास तकरीबन कितने होते हैं, वेडनेसडे फ्राइडे भाई, फ्राइडे से मेरा काम होता है, 4 दिन भी नहीं भाई 3 दिन, मुबारक हो भाई। यही रह गया भाई, यही रह गया तेरे पास अब। क्या यार आज तो छुट्टियां भी यार, काम सही बात है, छोटे होते थे ना बड़ा अच्छा लगता था, कोई काम नहीं होती, परेशानियां नहीं होती थी, टेंशन नहीं होती थी, टेंशन तो अभी भी हम नहीं लेते, लेकिन काम बहुत होते हैं यार, घर के काम होते हैं, काम होते हैं, जिम्मेदारियां बंदे पे ज्यादा आ जाती हैं। हां वो बात है, वो बात है, अब छुट्टी होती है तो वो भाई लगता ही नहीं है कि छुट्टी है, सेकंड में गुजर जाती है भाई, वीकेंड तो पता ही नहीं चलता कि भाई वीकेंड आया और गया भी, हमारे सारे के सारे पैसे इधर कॉफी में चले जाते हैं भाई। आज मैं और बिलाल, मैं कहता नहीं मैं करूंगा पे, मैं करूंगा, वो कहता मैं करूंगा पे, अंकल ने भाई ने देखा वहाँ पे भाई खड़े हुए थे, कहते टेंशन ना ली, देसी था, उसने हमारी आवाज़ सुनी, उसने कहा कहीं एक मिनट रुक जाओ, उसने अपना कोड लगाया भाई, तकरीबन $9 से $5 पे आ गया, हम लोग $5 पे, हम लोगों का यही प्लान होगा कल से, हम लोग यही करते रहेंगे। आउटफिट चेक, आउटफिट चेक, आउटफिट चेक, गाइस इस तरह हम लोग जा रहे हैं टिकटॉक बनाने के लिए, आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे, लेकिन पता नहीं अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टिकटॉक के भी कांसर होते हैं, नहीं मेरा मैं खुद ही टिकटॉक हो सकते हैं, इसके क्या पता, ये भी तंदूर से आया, तंदूर ये आया यहाँ पे बम धमाका करने भाई, एक मिनट थोड़े कर भाई, 5 नान छंड के, काट 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 को काट, हम इधर खालिद के साथ आए, इधर आ दे उसको दे, क्या One eternity later. हम इधर आए, इधर शॉप में खालिद ने अपनी जैकेट चेंज करवाई थी, उसको काम के लिए कोई गर्म जैकेट चाहिए हुई थी, तो हम लोग यही वैसे बातें शातें कर रहे थे, तो खालिद बोलता है कि भाई कार्हार्ट की जैकेट लेंगे, आगे से बिलाल पूछता है अच्छा वो तो मुझे पता नहीं, मुझे बड़े ब्रांड्स जैसे बैलेंसियागा वगैरह पता, तो आगे से बिलाल पूछता है अच्छा चल तुझे बैलेंसियागा की स्पेलिंग आते हैं, वो कहते हैं हाँ मुझे आती, तुझे कार्हार्ट की स्पेलिंग आती, वो कहते हैं हाँ आते, वो कहते बोल के कहते सी आर टी, इधर लिख के भेज,
हर जगह लिखा, इतना बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, इधर इधर उधर हर जगह लिखा हुआ। मैं पश्तो भी बोलूं, उसको पता नहीं चला सही बताया या गलत। बैलेंसियागा किस बैलेंस में कहते हैं? बैलेंसियागा में जी किधर आता है? जी साइलेंट है भाई, सी आता है। कहते बैलेंसियागा में सी आता है, जी साइलेंट है। पुरानी पुरानी You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. नकल का सुना दे भाई, नकल का सुना दे, इसके मुंह पे लाफा पड़ेगा। नकल का भी सुना दे, नकल 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 आना। NICKLE नकल नकल NICKLE। जैसे इसने मूस का सुनाया भाई, मैं हवाओं में उड़ने लग गया। मैंने कहा भाई को इंग्लिश आती है। जब इसने NIC बोला, मुझे लगा दूसरे निकल के पता चला वो भी सही बताएगा। उसने भी गलत बताया, NICKLE निकल ये उल्टा बोला, बता निकल निकल ये वो वाला बता निकल। तू कौन सा वाला? नकल 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 NCIKLE ये वाले नकल। कौन से? किसका? NCIKLE। ये गरीबों के हालात होते हैं भाई। यहाँ एक वो जैकेट ट्राई कर रहा है, एक ये जैकेट ट्राई कर रहा है, और पता है कितने कितने ये $400 वाले जैकेट उठा रहे हैं भाई। इन लोगों का मुंह नहीं है $400 का। और ये दूसरा फोटो शूट कर रहा है इन लोगों के जैकेटों के साथ। देखो भाई पिक्चर देखो, अभी ये दिखाऊंगा अपना मंगेटर को, लड़की को दिखाऊंगा, लड़की के बाप को, लड़की के बाप को दिखाऊंगा, सॉरी लड़की को बाप को दिखाऊंगा। लड़की भाई यहाँ पे थोड़े से हालात बेस्ती करा दिया सारी। यहाँ पे थोड़े से हालात टाइट चल रहे थे। गरीब बंदों ने पहली दफा महंगी जैकेट ली है। बंदों ने नहीं, बगा बंदे ने, गरीब बंदे ने, गरीब गरीब बंदे ने। नहीं नहीं उसकी तो बात नहीं है, वो तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट कार से पे कर दूं, उन्होंने कहा ये जरूर चोरी चोर कर चोरी कर रहा है। उसके बाद भाई उनको कंफर्म कराने के लिए इससे अपना कार्ड पहले टैप डाला, $300 पे वो टैप किया। तो आगे से कहता मेरा पिन क्या है, 5 मिनट वेट करके सोचता रहा पिन क्या है भाई। इस पे उनको कंफर्म हो गया था चोरी कर रहा है, किसी का कार्ड चोरी करके लाया। हाँ भाई गरीब लोगों ने जब जैकेट लिया ना, अब वो जैकेट भाई गोद में रख के बैठा हुआ, इतनी देर से पीछे चुप करके बैठा हुआ, बात नहीं कर रहा हमारे साथ यार। टांग नीचे रख, साले जैकेट के ऊपर रख। मैं ऊपर छत पे बैठ, दिखी मैं बैठ के आज जैकेट को पूरा फैला गाड़ी के अंदर। जैकेट हाँ भाई सीटें लगती है, ना पड़ जाए सलवटे ना पड़ जाए भाई। तू बेचे पीछे घसीटता हुआ अपने आप को, रस्सी से बांधेंगे तुझे, घसीटते हुए लेके जाएंगे। साले ये वही गरीब है ना जो थोड़ी सी महंगी चीज जब लेते ना औकात भूल जाते हैं। ये देखो 300 एक साथ। तूने कभी देखा कार्ड डाल दिया, पिन ही नहीं पता अपने कार्ड का, बेइज्जती करवा दिया है बहुत सारे कार्ड। चोर है ना, हर किसी कार्ड चोरी करता, भूल जाता है किसका पिन किसका था। अच्छा अच्छा जिस कंपनी की जैकेट लिए वो कंपनी पता कौन सी है? भाई भाई उठा लो मुझे, भाई उठा लो। पूछते रहे मेरा स्पेलिंग बताओ उसके, मुझे कहा नहीं कंपनी का नाम पूछ दो, वो भी नहीं पता होगा इसको। भाई क्या फायदा इस महंगी जैकेट उठाने का, भाई बंदे को नाम ही नहीं पता। ऊपर से हम लोग कह रहे हैं भाई अच्छा बोबा शोभा हम लोगों को पिला दे इस खुशी में। अंदर लेते हुए कहते हैं ये क्या है महंगी, पहले देखा ना महंगी जैकेट और प्यारी, कहता ठीक है। जब लेने जा रहे हैं तो कहता है इसका नाम क्या, हमने कहा पता नहीं। कहता वही कोई ऐसी ले जिसका नाम बताओ, मैं किसी को क्या बताऊंगा किसकी जैकेट पहनी हुई है, उनको थोड़ी बताऊंगा कि 300 की ली थी। जिस तरह मूज का है यहाँ पे लग रहा है। हाँ मूज का, मूज ने कहा अच्छा मूज ने कहा शॉप में जाते हैं, देखा जैकेट 950 की है, कहता चलो बाहर चले। भाई वो इसका मुंह देख के उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, उन लोगों ने लगा दिया था वो बैरियर, कहते नहीं बेटा तू अंदर घुसे। हम पीछे कर रहे थे इसकी शक्ल देखते सारे, उसने पूछा तूने पहले कभी नाम सुना है? हम लोग मुझ नकल की शॉप में गए, खालिद को देख के वो आंटी बोलती बेटा खालिद चुप करके बैठा। हाँ देख सुना हुआ, सुना हुआ भाई सुना हुआ। बड़ी जचदी यहाँ पे दो मैं तुम लोगों के साथ बैठा हूँ, इन लोगों ने दो दो एनर्जी ड्रिंक पी लिए भाई, ये लोग दोनों टुन होंगे। अच्छा भाई मैं भी गाड़ी चला रहा था, मैं एक इशारा क्रॉस कर गया, थोड़ी देर बाद देखा मैं फिर से वो इशारा क्रॉस करूँ, पता नहीं मेरे को माफ किया, मुझे लग मैं वो इशारा क्रॉस कर चुका था भाई, दोबारा वो इशारा कैसे क्रॉस किया भाई? अभी मुझे डर लग रहा है भाई, मैं
पागलों के साथ वही इसने मेरा भी सर्किट फ्यूज कर दिया वो कसमें भाई एक ने महंगी जैकेट ले ली मैंने महंगे जैकेट ले एनर्जी ड्रिंक पी लिया मैं कभी भी इस तरह हवा में उड़ो वो पीछे अभी हम क्रिकेट की बात करते तो पीछे बैठ के कहता हूँ इमरान क्रिकेट खेलता था पहले वो पूछ रहे इमरान खान हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि 92 का वर्ल्ड कप जीता था ये वो तो आगे से पूछते पूछते कि भाई इमरान खान क्रिकेट भी खेलता था यार किधर क्या हो गया किधर आ गया उसको छोड़ ये दूसरा वाला क्या बोलते हैं कहते हैं भाई हम लोग 3 महीने पहले टोरंटो गए थे मैंने कहा अच्छा हाँ हाँ 3 महीने गए 3 महीने पहले ये गए थे तो कहते हैं हाँ अक्टूबर में गए मैंने कहा साले अक्टूबर ये पिछले वाला महीना कहते नहीं नहीं 3 महीने हो गए अक्टूबर मैं कह रहा हूँ साले नवंबर चल रहा है अभी ये दोनों टिन हो गए भाई अब मैं अपनी तीन दफा अक्टूबर तो जुलाई में गए थे अगस्त में आए थे हम लोग एक हफ्ते के लिए गए थे वो बोले जुलाई में गए थे हम लोग अगस्त में वापस आए थे मुझे लग रहा है 7 दिन के लिए दिए होते हैं तो एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं ओ भाई इन दोनों के पास लाइसेंस है मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है यार मैं कहाँ में चलाऊंगा भाई मैं गाड़ी यार नहीं 10 दिन के लिए गए थे 7 दिन वहाँ पे रुके थे 2 दिन हमें जाने में लगे थे 2 दिन 10 कैसे हुए 11 दिन रास्ता भी गिन लो ना तो वही गिन के बता रहा हूँ ना भाई यहाँ पे हालात बहुत टाइट चल रहे बस मैं दुआ करूँ भाई निकले थे यहाँ से वेंसडे को नहीं थर्सडे को नहीं फ्राइडे को वेंसडे को नहीं किसको निकले थे फ्राइडे को निकले इतनी थर्सडे को फ्राइडे को छुट्टी ली थी थर्सडे को शाम को निकले थे वेंसडे को शाम को निकले थे शाबाश क्योंकि जुम्मे की नमाज हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी जुम्मे की नमाज उधर पढ़ी थी पागल कहाँ पढ़ी थी रोड के ऊपर नहीं झूठ बोल रहे हैं नहीं पड़ी थी वुल्फ के साथ जुमे वाले दिन सुबह 2 बजे पहुंचाया था मैंने 2 बजे पहुंचाया था नहीं 4 बजे पहुंचाया था और वहाँ पे फिर हम लोग अंदर घुस नहीं सकते थे क्योंकि हमने बुकिंग सैटरडे से फ्राइडे से करवाई थी ना हम लोग पूरी रात शाम की लॉट में सोए थे भाई रात तो हुई नहीं थी भाई सुबह हो गई थी भाई जर्सी लग रहे थे हम सारे के सारे वाह छोटी सी स्टोरी थी तकरीबन 2-10 सेकंड की स्टोरी लगना था भाई 10 सेकंड की स्टोरी थी मैं सुनाने लगा वो फोन पे लग गया दिमाग मेरा खराब हुआ मैंने नहीं सुनाना वो कहते नहीं नहीं भाई सुना दो बिलाल भाई ने स्टोरी सुनाई है ना हम लोग 7:30 बजे थे अब 8 बजे अभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुई अभी वो क्या समझ आई ना इसके बाद पंगे नाली में जब स्टोरी सुना रहे होते हैं तब सुना करो समझ आई खालिद भाई और देखो तो दिमाग पकड़ के बैठ गए अभी तक स्टोरी खत्म नहीं हुई थी वैसे अभी तो पाकिस्तान पहुंचा हूँ स्टोरी स्टार्ट हुई थी मैकडोनल्ड्स की एक छोटा सा हमने वो ड्राइव थ्रू से हमने एक पेमेंट वगैरह उसकी स्टोरी थी अभी मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ और बचपन की बातें भी मैंने शुरू की है भाई पाकिस्तान पहुंचा ही लाइन लगा गाड़ी ने इशारा लगाया वो किस दर पे सब कुछ रिलेटेड है बैक स्टोरी तो सुनेगा नहीं तो स्टोरी कैसे समझ आएगी सिर्फ मैकडॉनल्ड्स की था हाँ पाकिस्तान उसमें हाँ तो चुप करके अगर तू पहली दफा इंसानों की तरह सुन लेता इंसान मैंने बोला इसने नहीं बताया दोबारा पंगे ले स्टोरी लेते हुए स्टोरी सुनते हुए जा यार भाई वापस पाकिस्तान से शुरू करना पाकिस्तान से पाकिस्तान भाई मेरे साथ पंगा मैं जब स्टोरी गलती करे ना मैं स्टोरी ऐसी ऐसी घुमाता हूँ ना मैं अपने बाप दादा पुश्तैनी जायदाद अपने बाप दादा की भी बाप दादा सड़कों में उसके अलग से स्टोरी सुनाऊंगा उसके अलग स्टोरी होगी इसके अलग स्टोरी होगी आधा घंटा स्टोरी सुनी अभी इसके सर में दर्द फील हो गया चुप हो जा घर पहुंच गया भाई इसका स्टोरी खत्म नहीं होगी सुना करो ना भाई ये मजा आएगी एक हफ्ते तक खत्म नहीं होगी तो देख मैं कितनी लंबी खींचता हूँ अच्छा मैं गोल स्टोरी सुनाता हूँ भाई अगर हाथ लग गया एक सुन से पाप लो ऐसे क्या करना यार भाई